एमपी की सड़कों को अमेरिका जैसे बताने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में ही कई सड़कें बदहाल हैं। सिद्दीकगंज से धुराड़ा जाने वाला रास्ता भी भगवान भरोसे है। सिद्दीकगंज से धुराड़ा कला को जाने वाले 22 किलोमीटर के इस रोड की यह स्थिति है। यह सड़क मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में आती है। एमपी में बीजेपी की सरकार को 17 साल हो गए, लेकिन हालात मुख्यमंत्री के इलाके में भी ठीक नहीं है। इस बारे में इलाके के विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय का कहना है, इस सड़क का निर्माण कार्य 4 दिन में शुरू हो जाएगा। जब 2003 में मैं विधायक बना था, उस समय भी रोड बेकार था, आपको अच्छी तरह मालूम है। लेकिन इस रोड को हमने बनाया, दुर्भाग्य से 10 वर्ष तक इसमें कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो उसकी मरम्मत नहीं हुई, और फिर मौका आया हमें बनाने का, तो ठेकेदार भी नुकते हो गया, सब हो गया। हमने भूमि पूजन भी कर दिया और हमने 2 तारीख का कहा भी था, इसमें भी कोई आज हम मुकर नहीं रहे। आपने बोला था एफआईआर जो होगी आज 2 तारीख तो हम 1 तारीख तक का बोला था, लेकिन कल भी बात की हमने, आज भी ठेकेदार से बात की और कलेक्टर साहब को भी हमने अवगत कराया है। वो 2 दिन का फिर उसने कहा है ठेकेदार ने कि 2 दिन में उसका सामान चालू वहाँ से आना शुरू हो गया और वो 2 दिन में यहाँ ला के काम चालू कर। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।